अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक न्यू अपडेट दे रहा हूँ जो कि दुबई के विजिट वीज़ा के हवाले से है। दुबई ने कुछ कंट्रीज़ के लिए विजिट वीज़ा फिलहाल बैन कर दिए हैं, फिलहाल बंद कर दिए हैं, उनको इशू नहीं कर रहा है, जिनमें से इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लीबिया, सीरिया, कीनिया, लेबनान, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं इनके लिए दुबई ने फिलहाल विजिट वीज़ा बंद कर दिए हैं। तो ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जो लोग भी यहाँ पर आना चाह रहे हैं विजिट वीज़ा पे या जॉब ढूंढने के लिए, चाहे वो 7 दिन का वीज़ा हो, चाहे वो 1 महीने का वीज़ा हो, चाहे वो 14 दिन का वीज़ा हो या फिर 90 डेज़ का वीज़ा, तो ये सारे वीज़ा इन कंट्रीज़ के लिए यूएई ने, दुबई गवर्नमेंट ने फिलहाल बंद कर दिए हैं। रीज़न कुछ मालूम नहीं है क्यों बंद किए हैं, लेकिन जो लोग अप्लाई कर रहे हैं या यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं तो वो फिलहाल ना आए, मैं यही कहूँगा, क्योंकि नहीं तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप ये न्यूज़ अपने ट्रेवल एजेंट से भी कंफर्म कर सकते हो और इस न्यूज़ के बारे में, और जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ लाजम शेयर करूँगा, ज़रूर शेयर करूँगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी कर लें ये वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे ही वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा इंशाल्लाह। और जैसे ही ये न्यू दुबई रूल के बारे में, न्यू विजिट वीज़ा के कोई न्यू रूल आता है तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा ज़रूर। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब लाजम करें।